This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us. For we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries. The taste of health. नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। मेलबर्न टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के लिए यादगार हो गया है। भारतीय टीम एडिलेड की हार का बदला लेने के लिए उतरी थी और ले भी लिया। ऑस्ट्रेलिया के दिए 70 रन के लक्ष्य को भारत ने सिर्फ 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रन पर खत्म हुई। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में पहली बार 200 के पार तो निकली, लेकिन ये 200 भी उन्हें एक बुरा सपना याद दिला गए। मेलबर्न टेस्ट की दूसरी पारी के 200 रन इस सीरीज के 2 मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट स्कोर है। साल 1887 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया का अपने घर में ऐसा हाल हुआ है। होम टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों के बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा हाईएस्ट स्कोर 150 रन है। यह 1887 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था। सिडनी में हुए दूसरे टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 84 रनों पर सिमट गया था, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने 150 रन बनाए। अपनी दोनों पारियों में 151 और 154 रन बनाने वाले इंग्लैंड ने टेस्ट को 71 रन से जीत लिया था। इसके 133 साल बाद अब टीम इंडिया ने इस आंकड़े में एक और टोटल जोड़ दिया। मेलबर्न टेस्ट की दूसरी पारी के 200 रन अब ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज के 2 टेस्ट बाद दूसरा सबसे छोटा हाईएस्ट स्कोर है। बॉक्सिंग डे टेस्ट की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 200 पर सिमट गई। तीसरे दिन के स्कोर 133 पर 6 से खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया चौथे दिन के पहले सेशन में ही ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में कैमरन ग्रीन ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए। मैथ्यू वेट 40 रन बनाकर आउट हुए थे। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 3 विकेट निकाले। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 195 रन बनाए थे। पहली पारी में उनके लिए मानस लाबुशे ने सबसे ज्यादा 48 रन की पारी खेली थी। यानी दोनों पारियां मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज 50 तक नहीं पहुंच पाया। पिछले 32 साल में सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है जब अपने घर के टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का कोई बल्लेबाज 50 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया। पिछली बार ऐसा साल 1988 में हुआ था, तब सामने वेस्टइंडीज की टीम थी। ये जानकारी आपके लिए लाए थे हमारे साथी सूरज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज के ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लल्लनटॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लनटॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लनटॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लनटॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लनटॉप का मैटनी शो।